एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा।
एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करें।